मेरे YouTube चैनल प्रेरणा करियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हम NDA, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी क्लर्क, CDS, FCAT आदि परीक्षाओं के लिए इंग्लिश ग्रामर की क्लास को पढ़ रहे हैं। और मैंने जैसे कि आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि हम कंप्लीट सिलेबस एकदम फ्री पढ़ेंगे यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर। तो आपके जितने भी दोस्त हैं जो डिफेंस परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश अगर उनकी कमजोरी है तो उनको ये क्लास जरूर सजेस्ट कीजिए आप, और निश्चित रूप से उनको बहुत फायदा होने वाला है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, मैं इस क्लास में पूरे कंप्लीट कोर्स में इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ वोकैब का भी पूरा पार्ट पढ़ाऊंगा, पैसेज, क्लोज टेस्ट, जितनी भी चीज़ें हैं जो डिफेंस परीक्षाओं के लिए आती हैं इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हमने पार्ट वन में नाउन की डेफिनेशन और नाउन के काइंड्स पढ़े थे। आज की इस क्लास में हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, और हम देखेंगे कि जो नाउन है उसके जो काइंड्स हमने पिछली क्लास में जाने थे वहाँ से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले थोड़ा सा एक बार फिर जान लेते हैं कि नाउन के जो काइंड्स हैं वो कौन कौन से हैं। दोस्तों, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ये जो नाउन है इसके कुछ काइंड्स होते हैं, यानी कि मुख्य रूप से तो हमने नाउन के दो प्रकार पढ़े थे। एक तो होती है कंक्रीट नाउन, और एक होती है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दो नाउन होते हैं मुख्य रूप से। अब ये जो कंक्रीट नाउन है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था पार्ट वन में नाउन के कि इस कंक्रीट नाउन के पांच टाइप होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? एक तो होती है प्रॉपर नाउन, और दूसरी होती है कॉमन नाउन, और तीसरी होती है कलेक्टिव नाउन, और फोर्थ है दोस्तों मटेरियल नाउन, और जो पांचवी है वो है कंपाउंड नाउन, यहां पर मैंने आपको एग्जांपल भी बताए थे। प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर किसी भी पर्सन का या प्लेस का नाम है, जैसे कि जॉन किसी पर्सन का नाम है, दिल्ली किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। पर्टिकुलर प्लेस या पर्सन का नाम होगा दोस्तों उसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। एक ही कैटेगरी के लोगों को एक नाम देना कॉमन नाउन है, जैसे कि खेलने वाला खिलाड़ी प्लेयर कहलाता है, पढ़ाने वाली लेडी हो या जेंट्स उसको हम टीचर ही कहेंगे, और पढ़ने वाला लड़की हो या लड़का हम उसको स्टूडेंट ही कहेंगे, तो ये कॉमन नाम होता है, इसलिए कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन की बात करें तो यहाँ पर ग्रुप होता है, समूह होता है, जैसे कि टीम, जैसे कि ज्यूरी, क्या होता है दोस्तों? ग्रुप ऑफ जजेस होता है, जैसे कि क्लास, स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होता है क्लास होती है वो, और उसके अलावा डजन, 12 वस्तुओं का जो ग्रुप होता है जिसको हम दर्जन कहते हैं हिंदी में, वो डजन होता है। और मटेरियल नाउन में सारी मटेरियल्स होती हैं, जैसे कि गोल्ड हो सकता है, जैसे कि सिल्वर होता है, जैसे कि मिल्क होता है, जैसे कि ऑयल होता है, जैसे कि कॉटन होता है वगैरह, सब प्लास्टिक वगैरह सब मटेरियल नाउन होता है। कंपाउंड नाउन में दो शब्द होते हैं एक अर्थ निकलता है, जैसे कि आइस और क्रीम, दो शब्द हैं एक अर्थ है, जैसे कि टूथ और पेस्ट, दो शब्द हैं एक अर्थ निकलता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, न्यूज़पेपर, फिंगरप्रिंट, माउथ फ्रेशर, फुटप्रिंट वगैरह वगैरह। तो यहाँ तक पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है जिसका कोई कलर नहीं होता, मतलब नो कलर, COLOUR, नो साइज एंड नो शेप। ऐसी नाउन जिसका कोई कलर, साइज या शेप नहीं होता है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, और जबकि कंक्रीट नाउन होता है तो इसका कोई कलर या कोई साइज या कोई शेप
होता है दोस्तों। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कोई आगे टाइप नहीं है, जबकि कंक्रीट नाउन के जो हैं वो पांच टाइप हैं, जैसे कि यहां पर मैंने बताए हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और कंपाउंड नाउन। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं कि यहां से जो हमने ये टाइप पढ़े हैं इनसे किस टाइप का क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि यहां से क्वेश्चन कैसे आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रॉपर नाउन की, कि ये जो प्रॉपर नाउन है इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। दोस्तों ये तो आपको पता ही है, प्रॉपर नाउन का अर्थ होता है पर्टिकुलर कोई भी पर्सन या प्लेस का नाम, जैसे कि अभी मैंने पीछे उदाहरण दिया था जोहोन या फिर दिल्ली, या फिर किसी भी पर्सन का नाम, आपका नाम, मेरा नाम, किसी भी प्लेस का नाम प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन के लिए क्या बेसिक रूल है? सबसे पहला रूल तो ये है कि ये जो प्रॉपर नाउन होता है इससे पहले, मैं हिंदी में, जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी बच्चों का फायदा हो जाए थोड़ा सा, तो मैं कुछ रूल आपको हिंदी में भी बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि प्रॉपर नाउन जो है, प्रॉपर नाउन से पहले रूल है ये, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता। आर्टिकल आर्टिकल क्या होते हैं दोस्तों? ए एन और द, ये आर्टिकल है। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, नहीं होता ऐसे मान लो। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि प्रॉपर नाउन से पहले अगर आर्टिकल आ जाए, प्रॉपर नाउन से पहले, आर्टिकल आर्टिकल द हो तो वह कॉमन नाउन बन जाती है, फिर हम उसको कॉमन नाउन कहेंगे, उसको हम प्रॉपर नाउन नहीं कहेंगे, तो वह कॉमन नाउन बन जाती है। प्रॉपर नाउन से पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि जो प्रॉपर नाउन है इससे पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल आ गया, आर्टिकल द, तो फिर वो कौन सी नाउन बन जाएगी दोस्तों? फिर वो कॉमन नाउन बन जाएगी, फिर हम उसको प्रॉपर नाउन नहीं कहेंगे। अपने इस एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे ये क्वेश्चन है कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंग्लैंड, कालिदास इज द शेक्सपियर, सॉरी इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, नहीं, कालिदास भारत के कवि थे, कालिदास भारत के कवि थे, सॉरी इसको अपने एक बार चेंज करते हैं पूरे को, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है दोस्तों। शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर थे, इंग्लैंड के एक महान कवि थे, और ये कालिदास भारत के कवि थे, तो कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब कालिदास भी नाम है और शेक्सपियर भी नाम है, लेकिन प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता है, तो कालिदास तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन देखिए यहां पर शेक्सपियर से पहले आर्टिकल द आ रहा है, इसलिए हम यहां पर विलियम शेक्सपियर को, हालांकि किसी व्यक्ति का नाम है, फिर भी हम इसको कॉमन नाउन मानेंगे, क्योंकि यहां पर हमारा फर्स्ट रूल था कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता है, तो
कालिदास प्रॉपर नाउन है, लेकिन प्रॉपर नाउन से पहले अगर आर्टिकल द आ जाए तो फिर वो कॉमन नाउन है। इसलिए विलियम शेक्सपियर भी किसी व्यक्ति का नाम है, होना तो ये प्रॉपर नाउन चाहिए था, लेकिन इससे पहले आर्टिकल द आने की वजह से ये अब कौन सी नाउन बन गई है, कॉमन नाउन। ऐसे ही अपने दूसरा उदाहरण ये दे सकते हैं कि जयपुर, जयपुर इज द पेरिस, जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, जयपुर भारत का पेरिस है, जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। तो जयपुर और ये पेरिस और इंडिया, अगर हम देखें तो जयपुर किसी प्लेस का नाम है तो प्रॉपर नाउन है, और इंडिया भी किसी प्लेस का नाम है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन पेरिस है तो किसी प्लेस का नाम, लेकिन इससे पहले आर्टिकल आ रहा है, इसलिए हम इसको प्रॉपर नाउन नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे कॉमन नाउन। इसी तरह और उदाहरण भी हो सकता है दोस्तों कि उदयपुर, उदयपुर इज द कश्मीर ऑफ राजस्थान, कश्मीर ऑफ राजस्थान, उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों कश्मीर झीलें बहुत हैं कश्मीर में, ऐसे ही उदयपुर में भी हैं, इसलिए उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। अब यहां पर तीन नेम ऑफ प्लेसेस हैं, तो उदयपुर तो प्रॉपर नाउन है क्योंकि आर्टिकल नहीं आ रहा, राजस्थान भी प्रॉपर नाउन है, बट जो ये कश्मीर है इससे पहले आर्टिकल द आ रहा है, इसलिए ये कॉमन नाउन हो जाएगी। तो आपको फर्स्ट रूल, ये हमारा फर्स्ट रूल है जो प्रॉपर नाउन से रिलेटेड है, यहां पर आपको बस ये याद रखना है कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता है, अगर प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल आ गया दोस्तों तो फिर वो कॉमन नाउन बन जाएगी। तो प्रॉपर नाउन से इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये कालिदास विलियम शेक्सपियर वाला जो क्वेश्चन है कई बार पूछा जा चुका है, तो इस टाइप के प्रश्न आपके प्रॉपर नाउन से हो सकते हैं। और दूसरी नाउन से कैसा क्वेश्चन होता है उसकी बात करते हैं अपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर कि जो मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन उससे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मटेरियल नाउन, ओके मटेरियल नाउन। दोस्तों मटेरियल नाउन की बात करें तो इसमें सारा मटेरियल है, जैसे कि गोल्ड हो सकता है, जैसे कि सिल्वर हो सकता है, जैसे कि आयरन हो सकता है, जैसे कि आपका प्लास्टिक हो सकता है, जैसे कि मिल्क हो सकता है, जैसे कि ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है, कॉटन हो सकता है, यानी कि तमाम टाइप का मटेरियल मटेरियल नाउन कहलाता है। अब यहां पर देखिए, इस मटेरियल नाउन के लिए अपने को ये याद रखना है कि इससे पहले भी नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, मटेरियल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए। लेकिन एक चीज है, जब आर्टिकल आ भी सकता है, कब आ सकता है, पहले नो आर्टिकल का एक एग्जांपल समझिए। जैसे क्वेश्चन ये है कि माई रिंग, मान लो एरर का क्वेश्चन आता है यहां से कि माई रिंग इज मेड ऑफ द गोल्ड, माई रिंग इज मेड ऑफ द गोल्ड, एनई, चलो नो एरर पूरा ही लिख लेते हैं, अब कोई बच्चा समझे नहीं कि एनई क्या होता है, तो एनई नो एरर है। तो यहां पर ये इस टाइप का ए पार्ट है, इस टाइप के एरर के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, जिस पार्ट में एरर है दोस्तों वही आंसर है, और अगर सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है तो हमारा आंसर डी होता है, नो एरर। अब यहां पर बोल रहा है माई रिंग इज मेड ऑफ द गोल्ड, मेरी अंगूठी सोने की बनी है। अब आपको बताना है कि ये सेंटेंस कहां पर गलत है, ए पार्ट में, बी में, सी में या डी में। तो दोस्तों यहां साफ नजर आ रहा है कि ये सेंटेंस सी वाले पार्ट में गलत है, क्यों, क्योंकि गोल्ड जो है वो मटेरियल नाउन है, और यहां पर हमने पढ़ा कि इससे पहले आर्टिकल नहीं आना चाहिए, तो ये आर्टिकल नहीं आना चाहिए, सी पार्ट में गलती है। तो हमारा आंसर यहां पर दोस्तों क्या बनेगा, सी, तो हमारा आंसर है सी, इस सेंटेंस का आंसर सी है। अगर एरर फाइंड आउट अपने को करनी है तो यहां पर एरर है सी पार्ट में। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखिए,
मान लो अपने ऐसे कह दें कि दिस स्वीट इज मेड ऑफ द मिल्क, दिस स्वीट इज मेड ऑफ द मिल्क। तो ये है इसका ए पार्ट, ये है इसका बी पार्ट, और ये है इसका सी पार्ट, और ये है इसका डी पार्ट। अब मैंने ये जो एन ई लिखा है ना, इससे आप समझिए नो एरर, ये वाली जो है इसको शॉर्ट में लिखा मैंने एन ई। दिस स्वीट इज मेड ऑफ द मिल्क, ये मिठाई दूध की बनी है। दोस्तों यहां पर भी देखो, मिल्क मटेरियल नाउन है अपने को पता है, और मटेरियल नाउन से पहले जो है वो आर्टिकल का यूज नहीं होता है, इसलिए यहां पर आर्टिकल नहीं आएगा, यहां पर आर्टिकल नहीं आएगा। तो कौन से पार्ट में एरर हुई? सी पार्ट में। अब यहां पर मैंने आपसे कहा था कि मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता है, पर दोस्तों कभी कभी मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल आता है। आता कब है? जब इस मटेरियल नाउन का रिलेशन या संबंध, जिसको हम कहते हैं, इसका रिलेशन अदर नाउन से भी बताए, अदर नाउन से हो। अदर नाउन से कैसे रिलेशन हो? तो अपने को यहां पर सेंटेंस से समझना है। जैसे कि इस सेंटेंस को मैं अगर ऐसे लिखता हूं कि द गोल्ड ऑफ इंडिया इज वेरी कॉस्टली। इंडिया का गोल्ड बहुत महंगा है। मान लो इस टाइप का सेंटेंस है, ए पार्ट है और ये इसका बी पार्ट है, और ये इसका सी पार्ट है, और ये इसका डी पार्ट है। अब यहां पर गोल्ड मटेरियल नाउन है और इससे पहले आर्टिकल आ रहा है, तो सेंटेंस ये सही है। क्यों? क्योंकि गोल्ड किसका? इंडिया का। यहां पर पूरे गोल्ड की बात हो रही, गोल्ड कहां का ये नहीं पता चल रहा था, मिल्क गाय का या भैंस का ये पता नहीं चल रहा था, तो आर्टिकल नहीं आएगा। अब गोल्ड कहां का? इंडिया का, यानी कि इस गोल्ड का संबंध अदर किसी नाउन से है, तो दोस्तों आर्टिकल आएगा, इसलिए इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। इसी तरह मान लो ये वाला सेंटेंस है, इसको हम ऐसे करते हैं कि द मिल्क ऑफ काउ इज वेरी यूजफुल फॉर अस। ये सेंटेंस है और लास्ट में मैं लिख रहा हूं एन ई, मतलब नो एरर। तो ये इसका ए पार्ट, ये इसका बी पार्ट, ये इसका सी पार्ट, और ये इसका डी पार्ट। अब देखो मिल्क किसका? काउ का। गोल्ड कहां का? इंडिया का। तो यहां पर दोस्तों आर्टिकल आएगा, इसमें कोई एरर नहीं है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या बना? यहां पर हमारा आंसर बना डी, नो एरर। यहां पर हमारा आंसर क्या बना? आंसर डी, नो एरर। यहां पर हमारा आंसर क्या बना था? आंसर सी, सी पार्ट में। इस तरह से मटेरियल नाउन से क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो मटेरियल नाउन के संबंध में अगर इस तरह की आपको बात याद है, ये रूल याद है, तो आपका मटेरियल नाउन से संबंधित जो क्वेश्चन है वो दोस्तों गलत नहीं होगा। और सेम यही रूल किसके लिए लागू होता है? सेम यही रूल जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए भी लागू होता है। देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन से कैसे। अब देखिए, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसके लिए भी यही रूल लागू होता है। तो यहां पर अब हम बात करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए भी सेम यही रूल लागू होता है, मतलब कि नो आर्टिकल। आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए नहीं आता है, लेकिन कभी कभी आर्टिकल आता भी है। कब? जब इसका रिलेशन अदर नाउन से हो, या फिर पर्टिकुलर किसी नाउन के साथ इसका संबंध बताया जाए, तो फिर हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, वैसे आर्टिकल नहीं आता है। जैसे एग्जांपल समझिए आप, जैसे एग्जांपल ये है कि द ऑनेस्टी इज
द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी नीति है। दोस्तों ये एरर का क्वेश्चन है। अब यहां पर ये इसका ए पार्ट है, ये इसका बी पार्ट है, और ये इसका सी पार्ट है, और ये इसका डी पार्ट है। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इसका कोई कलर साइज शेप नहीं होता है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता है, तो यहां द नहीं आएगा, ए पार्ट में एरर है, इसलिए हमारा आंसर यहां पर क्या होगा दोस्तों, ए, यहां पर आंसर है ए। लेकिन अदर नाउन से संबंध हो अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, तो आर्टिकल आ सकता है, जैसे द ऑनेस्टी ऑफ, जैसे एग्जाम्पल है द ऑनेस्टी ऑफ हरिश्चंद्र, द ऑनेस्टी ऑफ हरिश्चंद्र इज वेल नोन, राजा हरिश्चंद्र की ईमानदारी जो है वो जग जाहिर है। अब ऑनेस्टी सबके लिए, ऊपर वाले क्वेश्चन में तो ऑनेस्टी सबकी ऑनेस्टी की बात हो रही थी कि सबके लिए ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है, लेकिन यहां पर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, किसी अदर नाउन के लिए इसका यूज हो रहा है, किसके लिए, हरिश्चंद्र के लिए। सेम वैसे ही मिल्क किसका, काऊ का, गोल्ड कहाँ का, इंडिया का, वैसे ऑनेस्टी किसकी, हरिश्चंद्र की, तो दोस्तों यहां पर आर्टिकल का यूज किया जाएगा, इसलिए इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, यहां पर आंसर हमारा होगा डी। और दूसरी बात एक और याद रखनी है अपने को यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए, कि जो वर्ब होती है वर्ब, वो हमेशा इसके लिए सिंगुलर आएगी, वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, जैसे कि मैं ऐसे लिखता हूं कि माई लक डू नॉट सपोर्ट सपोर्ट मी, माई लक डू नॉट सपोर्ट मी, ये सेंटेंस है, और ये एन ई मतलब नो एरर। ये इसका ए पार्ट हो गया, ये इसका बी पार्ट हो गया, ये इसका सी पार्ट हो गया, और ये इसका डी पार्ट हो गया। अब देखिए दोस्तों, लक लक तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इसका रंग रूप आकार नहीं होता, कलर साइज शेप नहीं होता, तो इसके साथ तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए ना, डू प्लूरल होता है और डज सिंगुलर होता है, तो यहां पर क्या होना चाहिए था, डज। ऊपर भी देख लो, ऑनेस्टी के साथ में हमने वर्ब सिंगुलर लगाई है, इज, चाहे यहां पर देख लो, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई सी भी होती है उसके साथ वर्ब सिंगुलर है, तो यहां वर्ब सिंगुलर आने चाहिए, डू नहीं डज आना चाहिए, तो इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हुई दोस्तों, बी पार्ट में, तो हमारा आंसर यहां पर क्या हुआ, बी, यहां पर आंसर होगा बी। ओके, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और अगर हम बात करें कि और दूसरी नाउन से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है, तो अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन, और जो इंपॉर्टेंट है वो है कलेक्टिव नाउन। दोस्तों कलेक्टिव नाउन की बात करें कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसा कि कलेक्टिव नाउन का अर्थ क्या होता है, कलेक्टिव नाउन का अर्थ होता है ग्रुप, यानी कि बात ग्रुप की होती है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमने पहले भी आपको बताया था कि टीम हो सकता है, या ज्यूरी हो सकता है, या कमेटी हो सकता है, ये सब उदाहरण किसके हैं, ये सब उदाहरण हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन की खास बात क्या है कि इसके साथ जो वर्ब आती है, कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर आती है, और जहां आवश्यकता पड़ेगी हम इट या इट्स का यूज कर सकते हैं, मतलब न्यूट्रल जेंडर का यूज करते हैं। और कभी कभी क्या होती है कि कलेक्टिव नाउन डिवाइड होती है, एक मत नहीं होती, मतलब जो ग्रुप के लोग हैं वो एक मत नहीं होते, इसका मतलब डिवाइड है, तब हम इसके साथ वर्ब जो होती है वो प्लूरल यूज करते हैं। कैसी वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। ओके, तो आपको दो बातें याद रखनी है कि वैसे तो कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब है, इट इट्स का प्रयोग करना है, अगर ये कलेक्टिव नाउन डिवाइड होती है मतलब एक मत नहीं है कमेटी के लोग या ज्यूरी के लोग, तो वर्ब प्लूरल होती है, और फिर इट इट्स का प्रयोग नहीं होता, देयर का प्रयोग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है कि ज्यूरी हैज गिवन गिवन इट्स वर्डिक्ट,
ज्यूरी अपना निर्णय दे चुकी है। वर्डिक्ट डिसीजन का सिनोनिम होता है, जजमेंट का सिनोनिम होता है, हिंदी में इसको निर्णय कहते हैं। तो ज्यूरी कलेक्टिव नाउन है, वर्ब सिंगुलर आती है, जहां जरूरत होगी न्यूट्रल जेंडर का प्रयोग हुआ, इस रूल को हमने यहां पर अप्लाई किया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये कलेक्टिव नाउन डिवाइड होती है, जैसे अपने ऐसे बोले ज्यूरी हैव डिवाइडेड डिवाइडेड ऑन दिस इशू, ज्यूरी हैव डिवाइडेड ऑन दिस इशू विदाउट लीविंग इट्स सीट्स। ज्यूरी डिवाइड हो चुकी है लेकिन उन ज्यूरी ने अपनी सीट नहीं छोड़ी है, सब लोग अपनी सीट पर बैठे हैं लेकिन एक मत नहीं है किसी मुद्दे पर, और ये सी पार्ट हो गया इसका, है ना, और ये हो गया डी। अब देखो दोस्तों ज्यूरी क्या हो रही है, डिवाइड, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, वर्ब प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल है यहां पर। आगे हमें देर का यूज करना है, तो आगे तो ये किसका यूज कर रहा है, इट्स का, तो ये एरर है, यहां पर क्या होना चाहिए था देयर। तो ये सेंटेंस ऐसे होता, ज्यूरी हैव डिवाइडेड ऑन दिस इश्यू विदाउट लीविंग देयर सीट्स। ओके दोस्तों, तो यहां तक हमने नाउन के जितने भी टाइप हैं उससे संबंधित क्वेश्चन की बात की है। अभी आपने देखा होगा हमने कॉमन नाउन की बात नहीं की है और हमने उसकी बात नहीं की है कंपाउंड नाउन की, तो वो जब नंबर ऑफ नाउन पढ़ेंगे अपने वहां पर उससे रिलेटेड रूल्स आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आपको फिर बता दूं कि मैं कंप्लीट ग्रामर और वोकैब यहां पर कराने वाला हूं। अगर आप डिफेंस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस मैं आपको कराऊंगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए आप, प्रेरणा कैरियर इंस्टीट्यूट नाम से टेलीग्राम चैनल है, और जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था सिलेबस डिस्कशन के लिए, तो वहां पर मैंने उसका लिंक भी दिया है, आप उससे जुड़िए। तो जितने भी टेस्ट वगैरह हैं वो वहां से आप टेलीग्राम चैनल से देंगे, पीडीएफ नोट्स वगैरह सब आपको वहीं मिलेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको मेटर अच्छा नहीं लगता है तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट है मुझे भेजिए, मैं पूरे शिद्दत के साथ आपके कमेंट का उत्तर दूंगा। दोस्तों अगली क्लास में फिर मिलते हैं, नमस्कार।